इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखें। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो देखिए ये हमारा ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट हम अस्तर पे कर लेंगे और उसके बाद ब्लाउज पे। तो ब्लाउज को साइड में रख देते हैं। अभी आपको साइज बता देती हूँ। देखिए ब्लाउज की लंबाई मैंने 15.5 इंच ली है और ये हमारा 41 साइज का ब्लाउज है, 12.5 इंच है। और देखिए 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो 2 इंच का हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। इसके मुड्डे मैंने 6 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर भी 6 इंच लिया है। और अभी नेक ड्रॉ करेंगे। देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लें और जितना आप डीप पहनते हैं उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। जो मैं ले रही हूँ आप उससे कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको 11 इंच लिया है। अभी हम ड्रॉ करेंगे नेक। तो देखिए हमने बॉक्स बना लिया है और यहाँ से 2.5 इंच जितना हमने गहरा लिया है वहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दें, डॉट जैसा लगा दें। अभी हम यहाँ से शेप देते हैं और जैसे हमने यहाँ पर डॉट लगाई थी वहाँ से इसकी गुलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से आएगा। इसको अभी डार्क कर लेते हैं। देखिए मैंने ये डार्क कर लिया है। अभी सेम डॉट पर कट कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को रख के हम कैनवास कट करेंगे। देखिए कैनवास को इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और देखिए जो हमारा ये ड्राफ्ट है इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अभी सेम ड्राफ्ट में कट करेंगे और इसकी चौड़ाई 1 इंच लेंगे। तो देखिए मैंने कैनवास कट कर लिया है और अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। देखिए नीचे मैंने सीधा ब्लाउज को रख लिया है और उसके ऊपर अस्तर रख लिया है और जो हमने ये ड्राफ्ट कट किया है कैनवास का, इस ड्राफ्ट को हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो एक साइड से शोल्डर से स्टिचिंग करते हुए दूसरे साइड तक स्टिच कर देंगे। उसके बाद जो नेक है इसको कट कर देंगे, पलट के इसकी फिनिशिंग देंगे। और जो भी डिजाइन हम इसमें देने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए मैं इसमें लेस से डिजाइन करने वाली हूँ। ये मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है क्योंकि ब्लाउज में गोल्ड कलर का डिजाइन है। और अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं किस तरह की डिजाइन आएगी। तो देखिए ये जो हमारा सेंटर पार्ट है यहाँ से हम 2 इंच ले लेते हैं और 2 इंच से लेके जो हमारा ये नेक है यहाँ से लेके पूरा ये डिज़ाइन यहाँ तक आएगी और यहाँ से फिर इस तरह से नीचे की तरफ आएगी। ये भी थोड़ी गुलाई में आएगी नीचे की तरफ। तो देखिए इसका जो ड्राफ्ट रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। और देखिए नीचे और भी डिज़ाइन हम थोड़ा सा देने वाले हैं इस पार्ट में। तो यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच ले लेते हैं। तो 2 इंच पर भी एक मार्किंग कर लेंगे। 2 इंच की जो मार्किंग रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, इससे इस तरह से अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आएगा और ये पार्ट हमारी जो यहाँ से लेस आएगी वो यहाँ से टर्न लेती हुई यहाँ तक आ जाएगी और एक लेस हमारी इस पार्ट में आएगी जो यहाँ पर हमने 2 इंच लिया है। और अब सिंगल करेंगे तो 4 इंच हो जाएगा, एक लेस हमारी यहाँ पे आएगी। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है। तो देखिए जैसे मैंने बताया था स्टिच कर लिया, नीचे सीधा ब्लाउज रखा है उसके ऊपर अस्तर और मैंने कैनवास रख के पूरा स्टिच कर लिया, नेक को कट कर दिया है। और अभी हम इसको पलट देते हैं। अभी इसको चारों तरफ से हम स्टिच डाल के तैयार कर लेंगे। देखिए सभी जगह से मैंने स्टिच कर लिया है और इसमें जो कमर में फिनिशिंग देनी है प्लेट डाल के वो भी दे दी है। तो देखिए हमने जो लाइनिंग में ये ड्रॉ किया था अभी ये तो हमारा अंदर की तरफ चला गया, तो हम अभी इसको बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ से ही इस तरह से मार्किंग कर लें, जैसे आपको टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से ही इस तरह से भी फोल्ड कर लेंगे सेंटर पार्ट से ही। तो क्या होगा, दोनों तरफ आपकी मार्किंग बाहर की तरफ दिखेगी। तो यहीं से फिर हम इसको और ड्रॉ कर देंगे और सेम इस तरह से इस साइड में भी। तो देखिए अभी खोल देते हैं। तो देखिए हमारे ये पॉइंट इस तरह से आ गए। तो जैसे मैंने बताया था आपको ये लेस यहाँ से इस तरह से टर्न होकर आएगी। तो देखिए ये मार्किंग तो हमने कंप्लीट कर ली है और देखिए जो हमने यहाँ पे भी एक मार्किंग ली थी, तो देखिए नीचे से जैसे कि ये 2 इंच आ रहा है तो सेम हम 2 इंच पर सीधे में मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 2 इंच ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच ले ली। अभी जो हमने ये पॉइंट लिया है यहाँ से हम इस तरह से 2 इंच तक ये ड्रॉ कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से आएगा यहाँ से ये, और ये लाइन हमारी इस तरह से आएगी। अभी लेस हम स्टिच करते हैं। तो देखिए ये हमारी डिजाइनर लेस है, यहाँ पर ट्रायंगल लगे हुए हैं और ये मोती भी है, और ये देखिए बीच में स्टोन भी है। इसके लिए क्या करना, हमको फुटर चेंज करना पड़ेगा। फुल फुटर से नहीं लगता क्योंकि इसमें स्टोन है। तो देखिए उसके लिए मैंने ये फुटर चेंज कर लिया है और अभी स्टिच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये पार्ट है, पहले हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे, क्योंकि जो इस साइड से जो लेस आएगी यहाँ पर ये टर्न होकर इधर से यहाँ तक आ जाएगी। तो इस पार्ट पर हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए ऐसे रख के, एक स्टिच डाल दिए और एक यहाँ किनारे पे भी डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्टिच हो चुकी है। और देखिए अभी हम नेक से यहाँ से लेंगे, यहाँ से जैसे मैंने बताया इसको यहाँ से टर्न लेते हुए इस साइड से उस शोल्डर तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक स्टिच कर लिए। अभी जो मार्किंग की थी यहाँ से हम इसको टर्न कर लेते हैं। अभी सेम यहाँ से भी इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए लेस हमने जो यहाँ से स्टिच की थी, हमने इसको डबल स्टिच कर दिया है, एक एक किनारे पर एक एक साइड में। तो ये पूरी तरह सेट हो चुका है। और देखिए एक मैंने ये रेडीमेड पैच लिया है, इसे आप फैब्रिक ग्लू से या फिर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस पैच को इस तरह से स्टिच कर देंगे, तो ये हमारे ब्लाउज का एकदम मैचिंग है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना सकते हैं लेस की सहायता से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।